प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के स्टूडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बिल्कुल ही वायरल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि सीधे 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको जो है ना इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है और जो है ना देख लीजिएगा, यहाँ पर विषय कोड वगैरह आप लोगों का 119 रहेगा, सेट कोड कोई भी मिले आप का सेमी क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करें हम लोग इसमें पैटर्न की, तो टोटल 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव ही आपको बनाना होगा। और इस प्रकार से है, टाइम इसमें 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, टोटल 70 नंबर का एग्जाम होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको पहले ही बोल दूँ प्यार बच्चों, इसी चैनल पर डेली आप लोगों का शाम में 7:30 बजे क्लास होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लास होता है। अगर आप लोग चाहते हो करना तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना। इसके अलावा इस नंबर पर मैसेज कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख के भेजना है, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और आपको नोट्स भी दिया जाता है, जिससे पढ़ करके 450 नंबर ला सकते हो। तो इस नंबर पे मैसेज करके जरूर आप लोग पता कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिएगा, आप लोगों को मैंने सारा चीज़ बता ही दिया। तो अभी के वीडियो में हम लोग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन को करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया आप लोगों से कि बताइएगा निम्न में से जो ना इनमें कौन पत्तियों से नए पौधे निकलते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा पत्तियां हैं जिनसे नए पौधा निकलता है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यार बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश में न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम लीव्स इन, तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला का। ऑप्शन बी नोट कर लेना है, ये हो जाएगा बायो जो है ना ब्रायोफिलम, यानी कि बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, दो नंबर बोला गया प्रश्न, बोला क्या कि बोला कि बताइए मनुष्य की त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो बिल्कुल ही देख सकते हो यहाँ पर दिया जा रहा है, स्किन कलर ऑफ ए मैन इज कंट्रोल्ड बाय, तो बिल्कुल ही नोट करना है, दो नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पॉलीजीन के 3 जोड़े द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, यह बिल्कुल आपका जो है ना ऑप्शन नंबर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना, प्रश्न क्या बोला ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न बोला है 3 नंबर की बताइए पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, है ना, तो बिल्कुल ही नोट कर लेना है, इकोसिस्टम क्या है। तो याद रखिएगा प्यार बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन बी, यानी कि सदैव खुला रहता है ना, ऑलवेज ओपन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है आप लोगों से कि अंगुली जो ना अंगुली काएँ किसका लावा है ना, फिंगरलेस आर जो ना लेवर ऑफ, तो बिल्कुल ही नोट करना है, 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा, नोट करना है मछली का होगा, ठीक है ना। आगे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 है कि बोला गया लघु बीजाणुधानी, ठीक है ना, लघु बीजाणुधानी का आंतरिक पोषक भित्तियाँ क्या कहलाती है। तो बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर 5 का ऑप्शन सी होगा, ये आपका टैपिटम होगा, यानी कि कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर प्रश्न बोला कि जो ना बोला ये प्रश्न आप लोग क्या बोला ध्यानपूर्वक दिखना है, ई कोलाई जो ना कोलाई के लैक ऑपेरॉन के प्रेरक अणु का एक रासायनिक प्रकार क्या है। तो आपको याद रखना है 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डाई के जो ना डाई सेकेंड राइड, यानी कि बिल्कुल ही कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना 7 नंबर बोला गया, 7 नंबर प्रश्न बोला कि बताइए जो है ना बताना आपको एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन निम्न से किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा यार, 7 का बिल्कुल ही ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया एवं फंजाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपका सी जो है सॉरी ए नंबर जो है ना, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, PCR तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है।
तो बिल्कुल ही याद रखना है, 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि HIV का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 बोला कि एनाट्रोपस विजांद होता है किसमें, किस प्रकार का, ये बोला है ना। तो बिल्कुल ही नोट कर लेना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8-9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उल्टा है ना, इन्वर्टेड, यानी कि बिल्कुल ही कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला 10 नंबर बला जो है ना, वी एवं ओ ब्लड ग्रुप वाले माता पिता के बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, यानी कि मान लीजिए आपके माता का बी और ओ ब्लड ग्रुप माता पिता का है, तो आपका ब्लड कौन सा होगा, ये पूछा। तो बिल्कुल याद रखना है 10 नंबर का करेक्ट है, तो जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो है ना ओ एवं बी दोनों होगा, दोनों ही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर बोला, प्रश्न बोला कि बताइएगा, प्रश्न बोला ऊर्जा की वह मात्रा जो एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक प्रभावित होती है लगभग कितना परसेंट में, है ना। याद रखिएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ना 11 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कह सकते हो 10%, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 12 नंबर है, बायोगैस रहता है, बायोगैस किस में रहता है, तो बिल्कुल ही नोट करना है, याद रखना है 12 का ऑप्शन एक तो देख लीजिएगा, CO2 में रहता है, H2S में रहता है, CH4 में रहता है, तो ऑल ऑफ डी यानी कह सकते हो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर बोला गया, परागकण का बाइचोल बना होता है किस चीज़ का, बिल्कुल ही नोट कर लेना है, 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कह सकते हो अस्पोरोले, ठीक है ना, अस्पोरोले सुलोज, यानी कि बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 14 है, ई कोलाई के लैक ओपेरोन में संरचनात्मक जीनों की संख्या कितनी होती है ना, बिल्कुल ही नोट कर लेना है, देख लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी है ना, ये देखिए दोनों मीडियम में आपको देखते चलना है। हाउ मेनी जो ना एस्ट्रोग्लरल जेंस आर पैस जो ना पेरेंट इन लो जो ना ओपेरोन इन ई कोली, तो बिल्कुल ही नोट करना है, राइट आंसर 14 का हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि कह सकते हो 3 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर बोला जा रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन जो है ना ये बोला कि बताइए आहार श्रृंखला में रस 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया था, तो बिल्कुल ही आप याद रखिएगा इन्होंने जो दिया था इनका नाम था लिंडमान, कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया 16 नंबर, इनमें से कौन कार्बनिक खेती में उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो याद रखना है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर इसका जो इंग्लिश में भी देख लीजिए, विच वन ऑफ डिज फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन ए, नोट करना है घोंगा का, है ना, घोंगा का स्नाइल का, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ये राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना 17 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला कि बताइए सतोली कोशिका कहाँ पाए जाते हैं, तो 17 का नोट कर लेना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कह सकते हो शुक्राणुजनक नलिका में, है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के किस के संपर्क में आता है, तो बिल्कुल नोट करना है शुक्राणु जो है अंडाणु से निषेचन के दौरान है ना शुक्राणु अंडाणु के किस किस के संपर्क में आता है, तो बिल्कुल मतलब शुक्राणु अंडाणु के अंदर में किस चीज़ के संपर्क में आ जाएगा, ये पूछा है ना, तो 18 का नोट करना है ऑप्शन ए, कह सकते हो पारदर्शी अंडावरण यानी कि लेपोसिडा, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोला ध्यानपूर्वक देखना है, प्रश्न बोला कि स्थान पान जो ना अनाथ यानी कि लैक्टेशनल जो ना एमेजोरिया क्या है, यानी कि लैक्टेशनल एमेजोरिया क्या है, या फिर कह सकते हो स्थानपान अनावर्त, है ना, तो बिल्कुल नोट करना है, करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ना 19 नंबर क्वेश्चन है 19 का, और राइट आंसर नोट करना है
ऑप्शन आपका वी होगा, नोट करना है, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है ना, नेचुरल प्रोसेस ऑफ कंट्रोल जो ना कंट्रोकेप्शन, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बोला, प्रश्न बोला क्या यौन शिक्षा विद्यालयों में आवश्यक है, यानी कि यौन यानी कि सेक्स की पढ़ाई विद्यालय यानी स्कूल में जरूरी है या नहीं, ये आपसे पूछा है ना, तो बिल्कुल ही नोट कर सकते हो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका 20 का होगा ऑप्शन ए, यानी कि हाँ बिल्कुल पढ़ाई जरूरी है, तभी तो आप लोग पढ़ भी रहे हो ना, बायो पढ़ रहे हो, बायो में ही सब तो पढ़ा जाता है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नोट करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस नंबर है, इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है, तो गर्भ निरोधक गोली होगा तो आपको नोट कर लेना है, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट करना है सहेली यानी कि सहेल, ऑप्शन बी नोट कर लेना है ना, गोली यानी कि टैबलेट का नाम है ना, ये नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, किस हो गया, इसके आगे हमारा हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर जो बोला ध्यानपूर्वक देखना, आप लोगों को बोला गोनेड्रोट्रोपिन जो ना रिजिंग हार्मोन द्वारा स्रावित हार्मोन जो शुक्राणु जनन में सहायक है उसका क्या नाम है, आप याद रखिएगा, बिल्कुल जो है 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कह सकते हो आप FSH+LH, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया जा रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया आप लोगों से कि झालर यानी कि फिम्बड़ी कहाँ पाए जाते हैं, प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा, तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय के पास में, यानी कि नियर और ओवरली ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपको ये नंबर नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 24 नंबर बोला, 24 नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है, ये बोला कि बताइए डेंगू बुखार का कारक है, डेंगू बुखार का कारक क्या होता है ना, बिल्कुल नोट करना है 24 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि विषाणु है ना, वायरस हो जाएगा, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है ना। आगे बढ़ते हैं, विषाणु होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वैसे लोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाते हैं, यानी कि मान लो कोई भी बीमारी आपके पास है, यानी आपका बुखार लगा है तो आप ही का जो बुखार है ये किसी और व्यक्ति को चला जाए है ना, यानी कि संक्रमित हो जाए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई भी जो है संचारित रोग हो जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है ना, तो बिल्कुल नोट करना है 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कह सकते हो संक्रामक बीमारी जो होता है ना ये क्या होता है, अगर मान लो आप में है तो दूसरे में चला जाएगा, इस प्रकार का होता है, तो आप लोगों को नोट कर लेना है ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन की, नवजात शिशु अपने माँ के दूध से निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में प्राप्त करती है, बिल्कुल नोट कर लेना है आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए, कह सकते हो LGA ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपका ए नंबर जो है ना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 27 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया कि बताइए थायमस पाया जाता है किसमें, तो थायमस जो पाया जाता है ना थायमस इज प्रेजेंट नियर, तो बिल्कुल नोट कर लेना है ये पाया जाता है किसमें, बिल्कुल हृदय के जो है ना पास यानी हार्ट में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए नंबर करेक्ट होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो हो जाता है 28 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने काम किया है किस पर, तो बिल्कुल ही नोट कर लेना है मेंडल वर्क ऑन है, यानी कि ऑप्शन ही नोट कर लीजिएगा मटर के पौधे पे उन्होंने प्रयोग किया था है ना, तो ऑप्शन नंबर होगा। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन को करेंगे, जो भी क्वेश्चन बचा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, शाम में 7:30 बजे आपका लाइव क्लास होता है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल जो भी पढ़ाएंगे आपको एग्जाम में आएगा, डेली क्लास करिए 7:30 बजे हमारे साथ, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पर मैसेज करके 9935516710 पर आपको अपना नेम जिलाकर क्लास 12th लिख के स्टूडेंट साइंस लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में करूँगा। इसके अलावा इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ, गूगल को इसके लिए ओपन करना होगा, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ गूगल को ओपन या क्रोम को करके आप कैसे डाउनलोड सर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है, मिठुन स्टडी सेंटर आपको गूगल या क्रोम में आकर के सर्च कर लेना है, फिर ऊपर करना है फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आओगे तो क्लास 12th का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो क्लास 12th का सेशन आपको दिख रहा है, इसी सेशन में आपको कुछ ही दिनों में जो है ना सारे फाइनल एग्जाम का पेपर का लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड कैसे करना है, तो ये मंथली एग्जाम वगैरह का देख सकते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर चेकआउट वगैरह करके जरूर करना, और मैं आपको डेली क्लास के माध्यम से बता दूंगा।